राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूँ प्रद्योत, आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है लीलाधर जंगूड़ी। लीलाधर जंगूड़ी एक बहुत ही समकालीन श्रेष्ठ कवि हैं, उच्च पत्रकार हैं और इनसे संबंधित रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। इनकी प्रमुख रचना नाटक जारी है, ये एक काव्य है और इसकी विधा परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है। तो नाटक जारी है ये एक काव्य है। इनका जीवन परिचय भी हम संक्षेप में देखेंगे और इनकी प्रमुख रचनाएं ट्रिक से पढ़ेंगे और ट्रिक ऐसी होगी जो बहुत ही आसान होगी, ट्रिक ऐसी होगी जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं, सीधे सीधे चलते हैं, ठीक है, आइए। लीलाधर जंगूड़ी, सभी को राधे राधे है। लीलाधर जंगूड़ी परीक्षा उपयोगी इम्पोर्टेंट तथ्य, परीक्षाओं के लिए कोई भी परीक्षा हो, हिंदी की प्रत्येक परीक्षा जहाँ हिंदी साहित्य आता है वहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ से, ठीक है, उन सब के लिए उपयोगी है। चलिए लीलाधर जंगूड़ी, इनका जन्म 1 जुलाई, जन्म कब हुआ है इनका, 1 जुलाई 1940 ईस्वी को, ठीक है, आप याद रखेंगे, सीधे सीधे आप ईयर याद रख सकते हैं। जन्म 1 जुलाई 1940 को हुआ है और जन्म स्थान इनका पूछा जाए तो धंगड़ बताएंगे आप, और ये टिहरी जिला में है, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, धंगड़ स्थान पर, ठीक है। चलिए, 10 वर्ष की अवस्था में ये घर से भाग गए थे ऐसा बताया जाता है और अनेक शहरों में भटकते रहे, घूमते रहे और जवानी की शुरुआत में फिर घर आ गए, ठीक है। और ऐसा भी बताते हैं कि 2 वर्ष के लिए ये सेना में सिपाही हो गए थे, ठीक है, 1961 और 1962 में ये सेना में सिपाही, सही दिख रहा है। लीलाधर जंगूड़ी 2 वर्ष तक सेना में कार्य करते रहे, ठीक है। चलिए अब इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, पुरस्कार जान लीजिए, परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1997 में दिया गया और इनका जो ग्रंथ है काव्य, क्या है ये, काव्य अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद बहुत महत्वपूर्ण काव्य संकलन है ये, और इस ग्रंथ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन्हें व्यास सम्मान भी मिला है, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम 2018 का व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमने बताया था व्यास सम्मान पढ़ाए थे तब ट्रिक से कि जो लीलाधर हैं, लीलाधर का मतलब श्री कृष्ण, ऐसे आप याद रख सकते हैं, लीलाधर लीला करने वाले, तो लीलाधर का मतलब श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग होंगे उनसे उतने ही प्रेम, उतने ही ढंग से प्रेम करते थे। 16108 तो उनकी पत्नियाँ बताई जाती हैं, ठीक है, उसके अलावा भी महाभारत के युद्ध में जितने लोग हैं उतना ही उनका, जैसा सामने वाला प्रेम करता था वैसा ही वे करते थे, तो इस तरह से इस ट्रिक से हमें इसे याद किया था, ठीक है, तो जितने लोग उतने प्रेम, ठीक, और अनुभव के आकाश में चांद, ये चांद अनुभव के आकाश में लीलाधर जंगूड़ी। अगला है, इन्हें पद्मश्री भारत सरकार ने दिया है, भारतीय भाषा परिषद का सततल सम्मान भी इन्हें मिला है, आकाशवाणी पुरस्कार भी मिला है और रघुवीर सहाय सम्मान भी मिला है, ठीक है, तो ये सम्मान महत्वपूर्ण है, ये 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनके पुस्तक क्रम भी हमने बता दिए कौन सी पुस्तक पर इन्हें मिला है। चलिए अब इनकी रचनाएं देखते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, पहले रचनाएं देखेंगे फिर ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। चलो पहली है शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है शंखमुखी शिखरों पर। दूसरी है घबराए हुए शब्द, क्या है, घबराए हुए शब्द भय भी शक्ति देता है। तीसरी क्या है, भय भी शक्ति देता है, ठीक है, कहा आपने ये तो सुनाई होगा डर के आगे जीत है, यदि आपके अंदर डर है तो समझ लीजिए डर को खत्म करोगे तो जीत मिलेगी, तो भय भी क्या देता है, शक्ति देता है, यदि भय से शक्ति नहीं मिलेगी तो समाप्त हो जाएगा व्यक्ति, नष्ट हो जाएगा, भय से शक्ति प्राप्त करके भय पर जीत, ऐसे ही तो आप भी परीक्षा के भय में डरे न, भय से शक्ति प्राप्त करें, ठीक है। अनुभव के आकाश में चांद, ठीक, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, ठीक है,
अब हम याद कैसे रखेंगे, लीलाधर जगोड़ी, लीलाधर की अध्यक्षता में युद्ध हुआ था, ऐसा समझ लो। महाभारत के युद्ध के अध्यक्ष यही लीलाधर थे, श्री कृष्ण, तो उन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध। तो ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है, ठीक है। इस यात्रा में बची हुई पृथ्वी, ठीक है, हमने इम्पोर्टेंट भी लिख रखा है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट तो सब हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये तो वेरी वेरी, यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसकी विधा पूछी जाती है। तो ये सब काव्य है, ये सब क्या है, यहाँ तक काव्य है ये, ठीक है। तो इसे विशेष रूप से आप याद रखेंगे, नाटक जारी है, लीलाधर, लीलाधर का नाटक जारी है, अर्थात श्री कृष्ण का नाटक जारी है इस दुनिया में। महाभारत में भी उन्होंने खूब नाटक किया, ठीक है, कृष्ण के साथ, जो पहले कह दिया कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और फिर जरूरत पड़ी तो फिर उन्होंने उठा लिया। तो अर्जुन के साथ तरह तरह की योजनाएं बनाई, ठीक है, तो सारी दुनिया उन्हीं का एक नाटक है। तो नाटक जारी है, ये विधा पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, तो क्या है, काव्य है। चलिए, पांच बेटे इनका गद्य है और मेरे साक्षात्कार इनका गद्य है। आइए ट्रिक से देखते हैं अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। ट्रिक बहुत आसान है और इस ट्रिक को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगी। क्या है, शिखरों से घबराए और भयभीत अनुभव का ईश्वर की अध्यक्षता में नाटक जारी है। एक वाक्य है केवल, शिखरों से घबराए और भयभीत अनुभव का ईश्वर की अध्यक्षता में नाटक जारी है। बहुत शानदार ट्रिक, शिखरों से घबराए हुए और भयभीत अनुभव का, ठीक है, ईश्वर की अध्यक्षता में नाटक जारी है। दो बार तीन बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। शिखरों से, तो शिखरों से, यहाँ केवल शिखरों से लेंगे तो शिखरों से, शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है, एक रचना हो गई ये, देखो। दूसरा है घबराए हुए, तो घबराए हुए से, ये घबराए हुए शब्द, ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ है घबराए हुए, घबराए हुए से क्या होगा, घबराए हुए शब्द, ये दूसरी हो गई। भय से क्या होगा, ये भय भी शक्ति देता है, ठीक, भय से क्या हुआ, भय भी शक्ति देता है। अनुभव का, अनुभव, ये केवल अनुभव है, मान लीजिए किसी का नाम है, शिखरों से घबराए हुए भयभीत अनुभव का, कोई व्यक्ति है उसका नाम अनुभव है और वो शिखरों से, चोटियों से घबराया हुआ है। जब भी आप ऊंची ऊंची चोटियों पर जाएंगे, और ये उत्तराखंड के रहने वाले थे तो वहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो भयभीत अनुभव से, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, और ईश्वर की अध्यक्षता में, बिल्कुल सीधे सीधे ईश्वर की अध्यक्षता में, और नाटक जारी है, बिल्कुल सीधे सीधे नाटक जारी है, ठीक है। और अब एक महाकाव्य के बिना और खबरों का मोह विज्ञापन से ढका है, इसे आगे जाएंगे तो ट्रैक बड़ी बनेगी, इसलिए हमने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया है, इसे आप याद रख सकते हैं, महाकाव्य के बिना और खबरों का मोह विज्ञापन से ढका है। तो ये शानदार सी ट्रिक थी, बहुत ही शानदार ट्रिक थी, और इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको, समझ लीजिए, लीलाधर जगोड़ी पूरा तैयार हो जाएगा और आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार कंटेंट था, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आपको बस दो बार पढ़ना है, शिखरों से घबराए हुए और भयभीत अनुभव का ईश्वर की अध्यक्षता में नाटक जारी है, ठीक है। और नाटक जारी है पर कौन सा पुरस्कार मिला, ये आज का प्रश्न है, ठीक है। इस रचना पर कोई पुरस्कार यदि इन्हें मिला है, यदि आपको पता है तो आप बताएं, ठीक, मिला है या मिलना चाहिए, आप इस रचना के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ठीक है। ये काव्य है, ये तो हमने बता दिया है, ठीक है, इनकी कोई पंक्ति आपको यदि पता है, इस नाटक जारी है कि, या कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, राधे राधे।